चीन के वुहान शहर से आया एक वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस, जो कि दुनिया को अपनी चपेट पर लेता चला जा रहा है। इसके बारे में इतना ही कहें कि अगर 10 लोग बीमार पड़ते हैं तो उनमें से 5 की मौत बिल्कुल तय है। यह इतना खतरनाक है कि आपको जानकारी भी नहीं होती है और आपकी मृत्यु भी हो जाती है। इसका बस कुछ ही सामान्य लक्षण है, जैसे कि आपको बुखार आना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में जकड़न, ऐसे ही कुछ सामान्य चीज़ें होंगी और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन याद रखना, ऐसे ही आपको कुछ होता है तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी अस्पताल में अपना चेकअप करवा लें। कोरोना वायरस को लेकर लगातार यह वीडियो वायरल होता जा रहा है, जो कि चाइना से होकर आया है। जरा आप भी इसको देखिए। Que legal. Porque chegou ali, felizmente. Vamos lá. Vamos lá, porque lá... Você ouviu? Ele mexendo. Viu que ele fica doidinho, ó. Ó. Porque às vezes fica mais doido ainda, a gente tampa o buraquinho dele respirar. Eu só vou ter que apertar o lábio do senhor um pouquinho, senhor vai achar péssimo, mas passa. Olha lá. Porque ele tampa, tampa o buraquinho ali, ó, ele fica doidinho, ó. Você não tá sentindo mexendo, não, Menzinho? Não. Ele tenta sair daqui a pouco. Que ferrou, ué? Uai, que tentar não sair, ó. Que não ferrou, não sentiu? Que legal. Que legal. Que legal nada. Contar isso pra Maria Clara, ela vai rir você até, né? Pera aí só um minutinho. Não é pequeno, tá? Não sei se vai dar pra você. Não. Onde? Com certeza não vai dar, no lábio. Você tirou? No lábio. Ah. Você acredita? Mas tem... Olha bem. अगर आप भारत में रहते हो तो अभी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोरोना वायरस आया नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं आएगा, भविष्य में यहाँ पर भी आ सकता है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स लोग, WHO जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम है, वो सभी मिलकर इसकी उपाय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चाइना से चलकर दुनिया में कैसे फैला डेंजरस कोरोना वायरस, जिसका खतरा इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरब सहित कई देशों में फैलता जा रहा है। इसके साथ पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस ने अपना कब्जा कर लिया है। अब भारत में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली समेत मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद समेत कई हवाई अड्डों पर थर्मा स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है। यानी पूरी दुनिया पर इस समय कोरोना वायरस छाया हुआ है। चीन और हांगकांग से लौटे लोगों की जांच की जा रही है। विमान में चढ़ने से पहले सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म भरना पड़ता है। अमेरिका में भी इस वायरस का मामला सामने आया है। यह कोरोना वायरस दिसंबर में पकड़ में आया था, लेकिन अब ये चीन की सीमा पार करके सभी देशों में फैल रहा है और पूरी दुनिया पर इसका खतरा मंडरा रहा है। ना ही इसका कोई इलाज है। ये बीमारी कैंसर से भी भयंकर हो सकती है। कई देशों में इसका खतरा फैल चुका है और जगह जगह पर इसका खतरा फैलता जा रहा है। सरकारें अलर्ट हो रही है, साथ में स्वास्थ्य केंद्र जो आप सभी के हैं पूरी तरीके से निगरानी पर हैं। लोगों की जांच हो रही है और जोर शोर से इलाज खोजा जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी इलाज मिल नहीं रहा है। पूरा मामला आइए जानते हैं क्या है और कहां से ये वायरस फैला है, इसको हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और भारत पर इसका खतरा कब तक आने की उम्मीद है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है, दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहाँ से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस इंसानों में पहुँचने पर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और लेकिन अलग अलग कंपनियाँ, अलग अलग मीडिया सोर्स अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इसे लेकर अगर दावे दिखे जाएँ बड़े बड़े, तो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि 2019 दिसंबर माह में कोरोना वायरस चीन के नॉनवेज मार्केट से पैदा हुआ था। वहां बेचे गए जंगली जानवरों में ये वायरस था और नॉनवेज खाने वालों तक पहुंच गया। धीरे धीरे ये सारी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाए, ये जो कोरोना वायरस है ये सबसे पहले चीन में एक नॉनवेज मार्केट में आया, जो कि किसी सांप या फिर बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं जहां पर ये बताया जाता है कि ये सांप से वायरस आया है, कोई बता रहा है ये इस कीड़े से वायरस आया है, कोई बता रहा है मेढक से आया है, तो अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन सभी मीडिया रिपोर्ट्स अपने अपने दावे पेश कर रही हैं और कोरोना वायरस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चीन के पड़ोसी देश सिंगापुर किसे छोटे वियतनाम तक पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, जापान,
साउथ कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका सहित कई देशों पर इसने अपना कब्जा कर लिया है और इंग्लैंड में भी ये फैल चुका है और पूरी जगह पर, हर एक जगह पर कोरोना वायरस की चर्चा बहुत तेजी के साथ चल रही है। और इसके लक्षण क्या है? सिर्फ एक आसान सा लक्षण है, जुकाम, बुखार, खांसी आती है, उसके बाद ये कोरोना वायरस तुरंत आपके ऊपर हावी हो जाता है और इससे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो लगभग आप समझ लीजिए 50% लोग इसमें खत्म हो रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है। कोरोना वायरस बहुत ही डेंजरस वायरस चला है जो आप सभी को बेहद ही परेशान कर रहा है। अभी इसका खतरा जो है भारत में पूरी तरीके से नहीं देखा गया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर इसका कोई सुधार या फिर इलाज नहीं देखा जाता है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सभी देशों में इसका खतरा देखने को मिल सकता है।